So hey guys, what is up everyone, welcome back to my channel, welcome back to another vlog of Shroom's Lifestyle and Shroom's Lifestyle is back with another single piece in town wala content जो हम लोगों ने बहुत दिनों से करते आ रहे हैं एंड बहुत दिनों से बंद था सो फिर से हम लोगों के हाथ लगाए एक गाड़ी जो है हुंडई ईऑन जिसमें सनरूफ इंस्टॉल हुआ है ठीक है उसके बारे में पूरा डिटेल्स आप लोगों को दिखाएंगे पूरा इंस्टॉलेशन भी आप लोगों को दिखाएंगे पूरा कौशिक दा ने शूट किया तो कौशिक दा से मिलाते हैं कौशिक दा कैसे हो एंड आपका जैसे बताते हो एक बार ऑटो स्पीड का एड्रेस और फोन नंबर बता दो एड्रेस है 8 डॉक्टर एफ एन रॉय रोड कलकत्ता 729 एंड फोन नंबर है आपका 9830869140 ठीक है और लैंडमार्क और लोकेशन एक बार समझा दो आपका ये जो लेक गार्डन्स है यहाँ पे जो मैनुका सिनेमा हॉल है मैनुका सिनेमा हॉल के बगल में ही हमारा दो शोरूम्स है यहाँ पे ऑटो स्पीड नाम से और हम लोग जो है बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते नहीं नहीं हम लोग तो BMW सब में गाड़ी काम करना हाँ। पसंद करते हैं और ईऑन में भी काम करते हैं हाँ। ऐसा कोई बात नहीं है हम लोग छोटा गाड़ी जो एंट्री लेवल का गाड़िया होता है जैसा एस्प्रेसो आने वाला है 3-4 वीडियोस तो एस्प्रेसो ऑल्टो 800 K10 ईऑन ये सब गाड़ी में भी पूरा काम करते हैं पूरा रीजनेबल प्राइस में ऑल जो एक्सेसरीज जो रहता है गाड़ी का सब मिलता है हमारे यहाँ और ईऑन में हम लोगों ने स्पेशल काम तो किया है ऑब्वियसली सनरूफ हाँ एकदम तो इसमें ईऑन में आपका पहला चीज है एंड्रॉइड सिस्टम लगा हुआ है अब स्पीकर अपग्रेड हुआ रखा है गाड़ी में एज पर कस्टमर चॉइस पूरा विनाइल वर्क भी है और सबसे बढ़िया जो है सनरूफ में मेरे हिसाब से कलकत्ता में ईऑन में सनरूफ ये पहला बढ़िया हाँ ऑब्वियसली मैंने कभी नहीं देखा एंड कोई हम लोग का ग्रुप में भी नहीं है जो ईऑन में सनरूफ लगा है एंड ये कौन सा मॉडल है वेबस्टो का है ये वेबस्टो का है पूरा वाटरप्रूफ है लीकेज का कोई टेंशन नहीं है पूरा प्रॉपर्ली आपका फिटिंग हो रखा है और प्रोसेस आप वीडियो में देख सकते हैं और जो फिटिंग करते हैं वो प्रोफेशनल से वो कंपनी का बंदा है पूरा अच्छा तो वेबस्टो का बंदा आके आपका सनरूफ जो है वो इंस्टॉल करके जाते हैं ठीक है एक बार वेबस्टो का जो सनरूफ रेंज है तो उसका एक बार बारे में प्राइस रेंज और कुछ डिस्कस करो रेंज है 35,000 ये जो आप देख रहे हैं ये मैनुअल सनरूफ है ये विद इंस्टॉलेशन आपका 35,000 पड़ेगा और आपका जो ऑटोमेटिक्स आता है पैनोरामिक आता है वो एप्रोक्सीमेटली आपका 80,000 से स्टार्टिंग है जेन्युइन वेबस्टो ये सब गाड़ियों में हो जाता है हाँ सभी गाड़ियों में जाता है फॉर एनी कार आप मारुति 800 में चाहेंगे तो उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है तो मेरा प्लान है कुछ मेरे गाड़ी में करने का इन फ्यूचर जब दूसरा गाड़ी लेंगे तब सो आएंगे जरूर से एंड आई होप कोलकाता में किसी और ने सनरूफ वाला गाड़ी में इंस्टॉलेशन वीडियो अभी तक नहीं बनाया होगा सो एंजॉय सम एपिक सिनेमैटिक शॉट्स ऑफ द कार देन सी हाउ द सनरूफ इज इंस्टॉल विद सम कूल म्यूजिक एंड देन आप लोगों को गाड़ी में ले जाके दिखाते हैं गाड़ी में और भी कौन कौन सा काम हुआ है एंड सनरूफ कैसे वर्क करता है See her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything. Everything just fade away cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Now I hope you guys can see marking is done properly with proper masking ताकि गाड़ी के पेंट में कोई भी scratches ना हो and it easily cuts easily मतलब करीब एक मिनट भी नहीं लगा पूरा काटने में एंड आप लोग जस्ट चेकआउट करो हाउ इज द फिनिशिंग एंड प्रॉपरली देखो फिनिशिंग भी दिया जा रहा है प्रॉपर ग्रुपिंग किया जाता है देन जो होता है आप लोगों का सनरूफ इंस्टॉल होता है पहले जो है पूरा शीट काट के निकाला जाता है देन आपका जो है ग्रुपिंग किया जाता है जहाँ पे सनरूफ बैठेगा ओके सो यू गाइस कैन सी कितने बारीकी से ये लोग काट रहे हैं एंड दे आर वेबस्टो प्रोफेशनल्स सो दे कम एंड कट द सनरूफ फॉर यू एंड इंस्टॉल देम एंड नीचे से अगर देखोगे तो पहले जो है कारपेट काट के निकाला जाता है फिर ऊपर का जो है सब फ्रेम काटा जाता है एंड देन दे कट योर रूफ
तो आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट लोकेशन पे शूट कर रहे हैं क्योंकि उधर पे जो है हम लोग का बंगाली में खुटी पूजा चल रहा है एंड बहुत जोर का म्यूजिक चल रहा है। सो कौशिक दुर्गा पूजा आ गया है, आ गया है, तो एक महीना बाकी है, तो वहाँ पे थोड़ा पूजा के लिए पूरा पेंडल का काम चल रहा है, तो आज हम थोड़ा दूसरा लोकेशन पे है उसके। ठीक है, तो कौशिक दा गाड़ी में क्या क्या हुआ है एक बार पहले से बता दो। लोगों ने तो सनरूफ इंस्टॉल पूरा देख लिया होगा, कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। जो क्लीनलीनेस है वो पूरा हम लोग लास्ट में दिखाएंगे एंड जो है सनरूफ का यूजेबिलिटी है वो भी पूरा दिखाएंगे। उसके पहले कौशिक दा गाड़ी में और क्या क्या काम गाड़ी में पहले जो काम हो रखा था वो ये व्हील कैप लगा हुआ था। ओके, ये जो फेंडर में जो ये आपका विनाइल का जो वर्क है पूरा रूफ भी ब्लैक किया गया था, ग्लास ब्लैक। हाँ। ये पूरा कस्टमर चॉइस है, इधर तक जो है ये पूरा कस्टमर चॉइस है, कस्टमर प्रेफरेंस लगाया हुआ है। ये पार्ट भी किया गया था उस टाइम। ओके, एंड क्रोम गार्निशिंग लगाया हुआ है जैसे कि मैं देख सकता हूँ, और डोर हैंडल क्रोम भी लगाया गया था। ठीक है, ये रूफ रेल तो आफ्टर मार्केट है क्योंकि ईयन में नहीं आता, नहीं आता है लेकिन आफ्टर मार्केट है। ओके, लेकिन पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट है इसका। ओके, जस्ट चेक द लुक आउट एंड सनरूफ को जो है अभी थोड़ा टिल्ट करके रखा गया है, उसका पूरा यूज हम लोग दिखाएंगे। उसके पहले पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे में पूरा टेल लाइट स्मोक किया गया है जैसे कि मैं देख सकता हूँ, इधर से इसको भी थोड़ा रैप किया गया है। छोटा मोटा काम बहुत सारा हुआ है ना गाड़ी पे। ठीक है, पीछे की तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो ये वाला कैमरा कौन सा कैमरा है जो इंस्टॉल हुआ है कौशिक? कैमरा एचओडी का कैमरा है, हाई ऑन ड्राइव। अच्छा, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है मैंने अभी देखा, सो इसका क्वालिटी भी आप लोगों को चेकआउट करवाएंगे। उसके पहले अंदर में चलते जो काम हुआ है दिखाते हैं। अंदर में इस गाड़ी में आपका ऑटो फोम का सीट कवर लगाया गया था पहले, ये आपका 3 साल पहले का है, अभी भी इसका ट्रीटमेंट और फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, 3 साल पहले का सीट कवर? 3 साल पहले का सीट कवर है और आज भी इसका फिटिंग देखिए कहीं से भी लूज नहीं है, प्रॉपर पूरा बकेट फॉर्म में बैठा हुआ है, इसलिए ब्रांडेड बोला जाता है। हाँ, इसीलिए ऑटोफोम ऑटोफोम है। ब्रांडेड लेने का लोग बोलते हैं मेरा ब्रांडेड और आपका नॉन ब्रांडेड में 2-3 हजार का डिफरेंस आता है, लोग बोलते हैं मेरा छोटा गाड़ी में क्या होगा अच्छा सीट कवर लगा के, तो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का जो डिफरेंस है वो आपके सामने है। देखिए, अगर आपका लोकल सीट कवर लगा रहता था इस गाड़ी में तो इतना दिन में फट जाता था, लूज होता 200% होता ही होता। और ऐसा नहीं है कि गाड़ी यूज नहीं होता, गाड़ी बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे लाइक मैं किलोमीटर दिखा दो, एक बार 39 ऑलरेडी चल चुका है, गाड़ी रेगुलर चलता है। तो उसके बावजूद भी एक बार सीट कवर देख लो आप लोग, मैं पीछे का आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ। सो जस्ट चेक द लुक आउट, गाड़ी रेगुलर यूज होने के बावजूद भी इतना अच्छा कंडीशन है सीट कवर का, यही होता है ब्रांडेड का सीन। और इसमें आपका पीछे मैगजीन होल्डर भी दिया गया है ऑटोफोम का है, ब्रांडिंग चेकआउट कर लो इधर पे। और स्टिचिंग विचिंग तो सब ऑटोफोम के बारे में कुछ बताना ही नहीं है, कंपनी से ही सब कुछ होके आता है, पूरा होके आता है, हमारा इंस्टॉलर पूरा इंस्टॉल करता है। ओके, सो पीछे में देख पा रहा हूँ पार्शियल ट्रे में अलग से स्पीकर लगा हुआ है जो कोएक्सियल होता है, कोएक्सियल आपका 6x9 इंच स्पीकर है ये। आप पीछे की तरफ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। जनरली ईयन में आपका स्पीकर का प्रोविजन सामने का गेट में दो ही दिया रहता है, लेकिन कस्टमर को थोड़ा म्यूजिक सुनना पसंद रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पीछे में पार्सल ट्रे डाल के उसमें आपका स्पीकर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दो ऑप्शन रहता है, 6 इंचेस या 6x9 इंचेस, कोई भी स्पीकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये जो 6x9 इंचेस स्पीकर है, इसका आपका पॉजिटिव पॉइंट है क्या, इसका आपका पेपर का जगह बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसका बेस आपका नॉर्मल जो रेगुलर जो 6 इंच स्पीकर आता है उससे ज़्यादा आता है। अच्छा, और ये दिखने में भी काफ़ी क्लीन सेटअप है। हाँ, बहुत अच्छे से इंस्टॉल किया गया है, ठीक है, विद प्रॉपर वायरिंग एंड ऑल। कोई भी एम्प लगा हुआ है गाड़ी में? कोई भी एम्प लगा, डायरेक्ट आपका प्लेयर से चल रहा है। ओके, सो एंड्रॉइड भी चेंज हुआ है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इधर से, उसका पूरा डिटेल्स देते हैं। और सामने की तरफ में कौन सा स्पीकर लगा हुआ है? सामने की तरफ में आपका सोनी का 6 इंच स्पीकर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब दो कोएक्सियल पायनियर का, दो सोनी का आपका कंपोनेंट लगा हुआ है। सो हम लोग अभी एंड्रॉइड कौन सा लगा हुआ है कौशिक? एंड्रॉइड आपका HOD का है 216। ठीक है, उसका आउटपुट पूरा दिखाते हैं आप लोग। इधर पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो HOD का जो एंड्रॉइड है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो रखा है 216 विद प्रॉपर फ्रेम। ये है इसका होम स्क्रीन एंड टच आउटपुट, अगर दिखाओ तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा स्लीक है। एंड इधर पे सारे के सारे ऐप्स है लाइक यूट्यूब, प्ले स्टोर, फोन लिंक, इधर पे एंड्रॉइड ऑटो आपका चल जाता है, आपका Spotify है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवर्स कैमरा, तो रिवर्स कैमरा में दिखा देता हूँ। गाड़ी में कोई भी सेंसर्स नहीं आता है, तो कोई भी सेंसर्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा आप लोगों को। एंड क्लैरिटी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, नॉट द मूविंग एडाप्टिव गाइडलाइंस, दीज आर नॉर्मल गाइडलाइंस जो आप लोगों को दिखाता है कहाँ पे आपका गाड़ी जाएगा रिवर्स में पार्किंग करते समय। एंड अगर हम लोग इसका जो पार्किंग लाइट है वो देंगे, सो इसका जो लाइट है ये भी थोड़ा डिम हो गया स्क्रीन का, एंड इधर पे सारे लाइट्स भी
जल गया, मतलब ये फीचर प्रॉपरली वर्किंग है। बहुत सारे एंड्रॉइड फिटिंग होता है लेकिन ये फीचर प्रॉपरली काम नहीं करता, काम नहीं करता है। एंड इधर पे सब कुछ काम कर रहा है, जैसे मैं पार्किंग लाइट ऑफ करूंगा, ये देखो स्क्रीन ब्राइट भी हो गया, वो वाला लाइट भी ऑफ हो गया। ये डिपेंड करता है आपका फिटिंग कैसा हो रहा है, कैसा वायरिंग हो रहा है उसके ऊपर। अगर आपका वायरिंग प्रॉपर नहीं होगा, फिटिंग प्रॉपर नहीं होगा, तो ये ऑटो डिमिंग वाला फीचर आपका वर्किंग नहीं रहेगा। ये हर कोई सेट में, हर कोई एंड्रॉइड में कंपनी से ही बाय डिफॉल्ट दिया जाता है, लेकिन कनेक्शन ना होने की वजह से ठीक से बहुत कोई गाड़ियों में ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, सो अभी हम लोग चेकआउट करेंगे इसका ऑडियो आउटपुट। ऊपर से कुछ सनरूफ ऐसा फिट होता है आपका, सो कौशिक दा इसके बारे में कुछ बताओ। ये पूरा प्रॉपर आपका वेस्टो का जो बंदा है वो आके फिट किया है, तो आप इसका फिट एंड फिनिश देख सकते हो, पूरा एज टू एज पूरा एकदम सही तरीके से बारीकी से पूरा चेक करके इसका फिटिंग किया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसका इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं कैसा हो रखा है, मतलब कोई भी एक भी जगह से पानी नहीं गया। हम लोग चेक कर चुके हैं। अच्छा, सो ये वाला चीज़ जो देखो, इधर पे प्रॉपर रबर दिया जाता है ताकि ग्लास के नीचे से भी, ग्लास के साइड से भी, कहीं से भी पानी नहीं जाएगा। एंड ये जो चीज़ है ये पूरा टिंटेड रहता है, सो ऊपर से आपको अंदर की तरफ कुछ दिखेगा नहीं, रात को भी नहीं दिखेगा, दिन में भी नहीं दिखेगा। सो प्रॉपरली कंपनी से जो है वो सनरूफ प्रॉपरली टिंटेड आता है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को बाहर से टिंट कराने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। एंड अंदर से अगर मैं आप लोगों को लुक चेकआउट कराऊँ, सो इधर पे आप लोगों को वेबस्टो का पूरा ब्रांडिंग मिल जाता है, इधर पे पूरा क्लैडिंग के साथ में फिट होता है। एंड अगर मैं इसका ऑपरेशन दिखाऊँ आप लोगों को, सो ये वाला व्यू रहता है लाइक नॉर्मल क्लास में, ये व्यू अगर चेकआउट करोगे, एंड इधर पे ये व्यू क्योंकि ये पूरा टिंटेड है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों के पूरा डायरेक्ट ऊपर जो सनलाइट है वो पूरा डायरेक्ट ऊपर नहीं गिरता है। एंड दिस इज़ द लीवर फ्रॉम हियर वेयर यू कैन ऑपरेट लाइक दिस, यू गाइस कैन जस्ट डू दिस, टिल्ट हो जाता है थोड़ा बहुत हवा पास होने के लिए। एंड ऊपर से जो लुक है वो अच्छा लगता है। इसको पूरा तीन लेवल का सेटिंग है, इसको पूरा आप लोग ऐसे ऊपर रख सकते हो, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा नीचे, ऐसे करके आप लोग सेट कर सकते हो। एंड इधर पे लॉक्स है, एंड ये लॉक्स अगर ओपन करोगे सो पूरा ग्लास आपका खुल के आपका हाथ में आ जाएगा, एंड यू गाइस कैन कीप द ग्लास इन द कार एंड एन्जॉय द एयरी फीलिंग इन द केबिन, अगर आप लोग पूरा सनरूफ ओपन करके चलाना चाहते हो तो। ये क्या होता है, ये बहुत बजट फ्रेंडली सनरूफ है। आप अगर ऑटोमेटिक सनरूफ लगाना चाहते हैं जो स्विचेस के साथ आता है, जो ऑटोमेटिकली ग्लास अंदर चला जाता है, वो बहुत कॉस्टली हो जाता है कम्पेयर टू दिस। ये आपका 35,000 के अंदर आ जाता है विथ इंस्टॉलेशन, वो तो आपका 90-80 तक भाग जाता है उसका प्राइस। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये वर्थ है, ये वर्थ है, ऑब्वियसली वर्थ है। आप लोग ऐसे ही चलाओगे, मुझे पता है बहुत लोग ऐसे ही चलाते हैं सनरूफ वाला गाड़ियाँ, सो उन लोगों के लिए प्रॉपर है। एंड जो लोग इलेक्ट्रिक चाहते हैं उन लोगों के लिए भी तो ऑप्शन है, अगर आप लोग इसको इधर से अनलैच करोगे, इधर से अनलैच करोगे तो पूरा ग्लास आपका इजीली वन हैंडेडली आ जाएगा आपके हाथ में, एंड जस्ट लाइक दिस सिंपली यू कैन क्लोज इट, जस्ट लाइक दिस सिंपल लॉक, एंड जस्ट लाइक दिस यू गाइस कैन ओपन इट। ठीक है, ऐसे तीन लेवल से, तीन लेवल पे आप लोग सेट कर सकते हो जस्ट लाइक दिस, वेरी इजी टू ऑपरेट, वेरी इजी टू इंस्टॉल, एंड आप लोगों का गाड़ी का पूरा लुक चेंज हो जाता है एंड अंदर का पूरा फील ही चेंज होता है ड्राइविंग करने के साथ, पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। राइट, पूरा ग्लास खोल के एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है आप लोगों को, जस्ट लाइक दैट अनलैच हो गया एंड ये पूरा निकल गया, वेरी इजी, वेरी इजी। आई होप हम लोगों ने जो है आप लोगों को पूरा डिटेल में सनरूफ, पूरा गाड़ी का जो सिस्टम सारा कुछ लगा हुआ है पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है। एंड सनरूफ का काम कराना हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, एकदम शोम स्लाइसल का वीडियो देख के आए हो ये बताना है, ज़रूर है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एग्जैक्टली, सो इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @invalid.username404। एज ऑलवेज एट द एंड ऑफ टुडेज वीडियो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट वीडियो रियल सून। Once she's naked, her body's a creation. They say-
say the devil made it for his energy.